अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ नान, और इस लॉकडाउन में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी हमें बाहर से हाइजीन का इशू होता ही है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने बाउल में ऑलरेडी लिया हुआ है 2 कप मैदा, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून यीस्ट भर के। यीस्ट डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी नमक हस्बे जायका, और अब पहले मैं इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करूंगी। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल के इसको गूंद लूंगी, और मैं इसका डो नरम बनाऊंगी। और आप भी इसको नरम ही गूंदिएगा। इस डो से आप पिज़्ज़ा वगैरह बंस कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने डो गूंद लिया है, और अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसको रख दूंगी 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छा सा फूल जाए। और आप भी इस डो को कम से कम 1 घंटा तो लाजमी ही रखिएगा। 1 घंटा हो चुका है, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा फूल के तैयार हुआ है। और अब मैं इसको दोबारा से थोड़ा गूंद लूंगी। गूंद देने के बाद यहाँ पे मैंने इसके जो है वो पेड़े बना लिए थे, और अब यहाँ पे मैं इसको ऑयल लगाकर इसको नान का शेप दे रही हूँ, और इसमें जो है वो खुश्का यूज नहीं होगा। यहाँ पे मैंने इनकी साइज जो है वो छोटी रखी हुई है, क्योंकि मुझे ये था कि ये पैन में पूरे आएंगे या नहीं आएंगे। आप चाहें तो बड़ी साइज के भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये नान रेडी कर लिया है, और अब मैं इसको बस पकाऊंगी। पैन मैंने पहले से ही गरम किया हुआ है, और मैं जो हूँ वो इसको नॉन स्टिक पे ही बना रही हूँ, और आप नॉन स्टिक पे भी बना सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको नान को रखूँगी। नान को रखने के बाद अब मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ थोड़ी देर, जब तक कि इसमें जो है वो बबल्स आ जाए, और फ्लेम मैंने लो ही रखी हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नान में बबल्स आ चुके हैं, तो अब मैं इसको उठा के इसको आग पे थोड़ा सा इसकी मैं सिकाई कर दूंगी। यहाँ पे आप इसको नॉन स्टिक पे भी बना सकते हैं उसमें, लेकिन ये होगा कि आपको जो है वो फिर आग पे जो है पैन को लेकर खड़ा होना पड़ेगा, और वो मुझसे नहीं होता इसीलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और अब यहाँ पे नान बनके तैयार हैं, तो बस मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ। और कढ़ाई मैंने बना के रखी थी, और ये सब मैंने ईद वाले दिन किया था, तो अब मैं बस इनको डिश आउट करूँगी, फ़ोटोज़ दूँगी और अपना इंजॉय करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।